हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन अफ़गानी मसाला की रेसिपी विद चिकन अफ़गानी मसाला पाउडर। इसको कैसे बनाया जाता है, बनाने का तरीका क्या है और इसका टेस्ट कैसा है वो फीडबैक भी मैं आपको दूंगी, और इसमें क्या मसाले हमें एडिशन करने हैं वो भी मैं बताऊँगी। तो चलिए फटाफट एक बार इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने ली हूँ 1/2 kg चिकन, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 3 टमाटर, 8 से 10 काजू और चिकन अफगानी मसाला। इसके पीछे तो लिखा हुआ रहता है कितने इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, बट इसमें क्या ऐड करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम कुकर में 100 ml तेल ले लेंगे। मैं इसको कुकर में बना रही हूँ क्योंकि मैंने चिकन देसी लिया है, वो जल्दी गलता नहीं है, इसके लिए हम इसको कुकर में बनाएंगे। 2 से 3 सीटी में वो जल्द से गल जाएगा। फिर तेल अच्छे से हम गर्म करना है। तेल सरसों का लिया है तो इसमें थोड़ा फ्लेवर रहता है तो वो अच्छे से चले जाना चाहिए। तेल गरम होने पर हम प्याज को अच्छे से लाल कर लेंगे, ज़्यादा भी नहीं। आधी प्याज हम कुकर में ही रहने देंगे, आधी प्याज को हम प्लेट में निकाल लेंगे। फिर उसमें डाल देंगे चिकन, चिकन को भी अच्छे से भूनेंगे तेल में ताकि जो ये पानी रिलीज़ करता है वो अच्छे से सूख जाए इसमें। फिर इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक। नमक भी मैंने ऐड किया है, मसाले के साथ रहता ही है, बट हमें इसमें ऐड करना है एज़ पर टेस्ट। फिर 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये चारों चीज़ हमें इसमें ऐड करने हैं। मसाले में जो दिया हुआ रहता है उस हिसाब से हम इसको नहीं बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा एडिशन करेंगे तभी टेस्ट आएगा। फिर ये जो प्याज भी हमने लिया है, प्याज, टमाटर और काजू, इन तीनों को ग्राइंडर में हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ये मैं आपको इसके लिए एडिशन करके बता रही हूँ, पहले मैंने जिस हिसाब से मसाले के पैकेट पे लिखा है वैसे बनाया, बट उसमें थोड़ा टेस्ट में कमी लगी तो इसके लिए मैंने सेकेंड टाइम बना के इस रेसिपी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या आपको ऐड करना है। फिर मसाला भी हमें इसमें डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाना चाहिए। फिर चिकन भी अच्छे से भून चुका है इन मसालों के साथ, अभी हम इस मसाले को जो हमने पीस के तैयार किया है वो मसाला हम इसमें डाल देंगे और हाई फ्लेम पे 1 मिनट हम अच्छे से इसको भूनेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कैसे इसको बनाना है। हाई फ्लेम पे अच्छे से 1 मिनट भूनने के बाद कस्तूरी मेथी, मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ है इसमें, ये भी मैंने ऐड किया है, आप ज़रूर से ऐड करिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा ग्रेवी में। फिर 1 गिलास पानी हम इसमें डाल देंगे और कुकर का जो लीड है वो लगा देंगे और 3 सीटी आने देंगे। आप नॉर्मल चिकन में भी इसको बना सकते हो बट देसी चिकन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चिकन अच्छे से गल चुका है आप देख सकते हो, और कितना अच्छा फ्लेवरफुल भी दिख रहा है और कितना कलरफुल दिख रहा है। सरसों के तेल से कुकिंग करने में थोड़ा कलरफुल बन के तैयार होती है कोई भी रेसिपी आप बनाओगे। फिर ऊपर से मैंने 2 से 3 हरी मिर्च को बीच से काट के डाल दिया और थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें फ्रेश डाल दिया है मैंने, और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे रोटी, नान या राइस के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। और ऐसे मसालों के साथ मैं अपनी रेसिपीज़ लेके आऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी और उसमें क्या एडिशन क्या नहीं डालना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊँगी। और जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हूँ उस तरह से आप, जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर वैसे इंग्रेडिएंट्स के साथ आप बनाओगे तो बहुत सुपर टेस्टी ये बन के तैयार होती है। तो मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अब तक खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़ गाइस, टेक केयर, बाय।